नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। एनसीपी के नाम और सिंबल को लेकर विवाद के बीच शरद पवार और अजीत पवार गुट ने एक बार फिर दावा किया है उनकी पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। शरद गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने मंगलवार 19 सितंबर को कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से हमारे केस को विवाद की तरह देखना गलत है। उन्होंने आयोग पर शरद को समय ना देने का भी आरोप लगाया। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री और अजीत गुट के सीनियर नेता छगन भुजबल ने जयंत पाटिल के बयान पर कहा, अच्छी बातें, हम भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है। छगन भुजबल ने दावा किया कि पार्टी में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव। अब अजीत पवार पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमने चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया है। जयंत पाटिल ने बताया कि शरद पवार ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग से समय मांगा था, क्योंकि अजीत की तरफ से कुछ ईमेल भेजे गए थे। चुनाव आयोग ने शरद को समय दिए बिना सोच लिया कि पार्टी में विवाद है। शरद गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, शरद ने अपने जवाब में चुनाव आयोग को बताया था कि पार्टी में कभी उन्हें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही पार्टी की ओर से किसी भी सार्वजनिक मंच पर हमारी नीतियों का कोई विरोध हुआ। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।